इंदौर के वाड्रफ नगर में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत राशन कार्डधारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम 2 कन्याओं को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत जिला बलरामपुर रामानुजगंज के विकास खंड वाड्रफ नगर के ग्राम पेंडारी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास स्कूल शिक्षा तथा सहकारिता मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम के मुख्य आतिथ्य में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 85 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के अंतर्गत 85 जोड़ों के विवाह आयोजन में मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम ने शामिल होकर नव दंपतियों को आशीर्वाद दिया तथा उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना का उद्देश्य परिवारों को कन्या के विवाह के संदर्भ में होने वाली आर्थिक कठिनाइयों का निवारण, विवाह के अवसर पर होने वाले फिजूल खर्ची को रोकना है, साथ ही सादगीपूर्ण विवाहों को बढ़ावा, सामूहिक विवाहों के आयोजन के माध्यम से आत्मसम्मान में वृद्धि एवं उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार, बाल विवाह तथा विवाहों में दहेज के लेन देन की रोकथाम करना है। मंत्री टेकाम ने कहा कि सामाजिक कुरीतियों को रोकने में सामूहिक विवाह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रशासन द्वारा जिले के अन्य विकास खंडों में आगे भी सामूहिक विवाह का आयोजन कर विवाह के इच्छुक 18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवक युवतियों को लाभान्वित किया जाएगा। इस अवसर पर महिला बाल विकास विभाग तथा विकास खंड स्तरीय अधिकारी कर्मचारी व आम नागरिक उपस्थित थे। इससे पूर्व मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम का स्वागत किया गया। उसके पश्चात नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान कर मुख्य अतिथि के द्वारा नवविवाहिताओं को पौधे वितरण किए गए। परियोजना विभाग की ओर से कन्याओं को घरेलू सामान भी वितरण किया गया। बता दें कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत नव दंपतियों को 14,000 रुपए की उपहार सामग्री, वर वधु के लिए 5,000 रुपए की श्रृंगार सामग्री, वधु को बैंक ड्राफ्ट के रूप में 1,000 रुपए तथा सामूहिक विवाह आयोजन की तैयारी के लिए 5,000 रुपए प्रति कन्या प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री विवाह योजना के अंतर्गत विधवा अनाथ निराश्रित कन्याओं को शामिल किया गया है। वाड्रफ नगर से संवाददाता अजय कुशवाहा की रिपोर्ट। पूरे जिले में 300 जोड़ों का शादी कराना है, उसके लिए तिथि निर्धारित है, जिसे आज यहाँ वाड्रफ नगर के पेंडारी में है। यहाँ 85 जोड़े हैं और कल 29 तारीख को शंकरगढ़ में है, 20 तारीख को राजपुर में है, 1 तारीख को सामरी में है और 4 तारीख को बलरामपुर और 6 तारीख को रामानुजगंज के महावीरगंज में है। मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह के अंतर्गत पिछले वित्तीय वर्ष से राशि बढ़ा दिए हैं। एक शादी में 25,000 खर्चा करना है, उसमें से 14,000 रुपये को उपहार सामग्री है, 5,000 रुपये का श्रृंगार सामग्री का है और 1,000 रुपये चेक के माध्यम से उनको नगद देते हैं। साथ ही साथ बाकी जो राशि है वो विवाह आयोजन पे खर्च होता है। और क्या व्यवस्था है सर, जो आने जाने वालों के लिए कितने का व्यवस्था, क्या कैसे? आने जाने वालों के लिए 500 का प्रावधान है, उसमें 5,000 में से ही है। कितने नौ जोड़ों को आप सामूहिक विवाह के अवसर पर सभी को मैं अपनी ओर से बहुत शुभकामनाएं भेजना चाह रहा हूँ कि नौ विवाहित जोड़ों का उनका उसमें जीवन हो, आगे अच्छे से लोग नहाए बोले आगे बढ़े, उनको सभी को हम आशीर्वाद दे रहे हैं। उसको देने के लिए बहुत से लोग वहाँ पर आए हैं। आज 85 जोड़े का यहाँ पर विवाह संपन्न हुआ है। अलग अलग रीति से वहाँ समाज के भी लोग अपने धर्माचार्य द्वारा उनकी शादी विवाह कराया गया। अनुसूचित जाति के भी लोग हैं, उनके जो धर्माचार्य हैं उनके द्वारा कराया गया। तो सब अपने अपने धर्म के अनुसार, अपने अपने रीति के अनुसार, अपने अपने रीति के अनुसार सबको शादी संपन्न यहाँ पर हुआ और बहुत से लोग यहाँ पर हम सब उनके आशीर्वाद देने के लिए उनको आगे सबके जीवन में शुभ आशीर्वाद देते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden.
world-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.